मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद बैरल साहब। अब मैं सबने जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। सभी उपस्थित विद्वज्जन, हम प्रज्ञापना सूत्र के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और लगभग हमने 30 चैप्टर्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के डिस्कशन के माध्यम से, और काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही सिस्टमेटिक है। ये प्रज्ञापना सूत्र है। प्रज्ञापना, प्रज्ञापन का मतलब ही होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज को। ये प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत एक चैप्टर है 31 और दूसरा चैप्टर है 32। तो 30 तक हमने कवर कर लिया है। 31 के अंदर विशेष रूप से इस बात की चर्चा है कि संसार में जितने भी जीव हैं उन जीवों में कितने जीवों के पास में माइंड का विकास है और किन के पास में नहीं है। तो ये चर्चा संगी के उस चैप्टर का नाम है संगी। संगी पद कहते हैं। तो संगी में मतलब मन का विकास जो है जिन जीवों में है उनके आधार पर डिस्कशन किया गया है, जिनमें मन का विकास नहीं है उन जीवों का डिस्कशन किया गया है। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बियॉन्ड होते हैं, तो ट्रांसेंडेंटल स्टेट जो हम सिद्धों के स्टेट मानते हैं वो स्टेट भी होती है, तो उसमें मन की आवश्यकता नहीं रहती, मन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं होता है। तो ये 3 स्टेज में हमको बात को समझना है। तो पहला हम ये देखेंगे कि संगी असंगी किसे कहते हैं, कि जिनमें मन का विकास, मानसिक विकास नहीं होता है। तो शास्त्र की दृष्टि से कहा जाता है कि एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो असंगी जीव होते हैं उनमें मानसिक विकास नहीं होता है, उनमें दीर्घकालीन सोच नहीं होती है। जिस तरह से मनुष्य एक लंबे समय के लिए कोई प्लानिंग कर सकता है, लाइफ लॉन्ग जो है वो प्लानिंग कर सकता है कि मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना है, तो वो पूरे लाइफ के बारे में सोच सकता है। वहाँ असंगी जीवों के दिमाग में इस तरह की लॉन्ग प्लानिंग नहीं आ सकती है, क्योंकि उनका माइंड जो है इतनी रीजनिंग करना, इतना एनालिसिस करना और इस तरह से कंसंट्रेट करना एक लॉन्ग पीरियड पर उनका उतनी क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए उनका कहा जाता है कि उनमें मानसिक विकास नहीं होने से वो दीर्घकालिक सोच उनमें नहीं होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि कुछ जो मानसिक ज्ञान होते हैं वो उनके अंदर नहीं होते हैं। चूंकि शास्त्रीय दृष्टि से हम ये मानते हैं कि हर जीव के अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान अवश्य होते हैं, और श्रुत ज्ञान का संबंध परिस्थितियों के ऊपर, कोई हमें वाइब्रेशंस मिल रहे हैं तो उसको समझना, उसको रीड करना, ये कैपेसिटी एक छोटे से छोटे जीव के अंदर भी होती है। इसीलिए जब कभी स्टॉर्म आते हैं तो मनुष्य को तो शायद पता चले या ना चले, पशु पक्षियों को, छोटे जीवों को, ये वाइब्रेशंस पहले से ही प्रकृति में क्या परिवर्तन होने जा रहा है उसका आभास उनको पहले हो जाता है। तो वाइब्रेशंस रीड करना, पास में कोई चीज आ रही है, कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको सेंस करना, ये सब चीजें सेंसिंग की कैपेसिटी इन छोटे जीवों में जरूर होती है, बट वो दीर्घकालिक सोच नहीं होती है। पास्ट से क्या लर्न करना चाहिए, फ्यूचर में किस तरह से चलना चाहिए, ये सब बातें उनके दिमाग में नहीं आती है। वर्तमान में जो कुछ है उन चीजों को जरूर वो सेंस करके थोड़ा वो समझ लेते हैं। और आजकल मैं देखती हूँ कि एक छोटे छोटे वीडियोज में कभी कभी ऐसा दिखाया जाता है कि वो एनिमल्स, एक डॉग है, वो डॉग सब्जी खरीद करके आ जाता है और सब्जी खरीद करके आ रहा है और उसे मालूम है कि उसको किसकी दुकान से क्या लेना है, किसके यहाँ से उसको एप्पल लेना, किसके यहाँ से केला लेना, किसके यहाँ से कौन सी सब्जी लेना है। और मान लीजिए उसको पैसा वापस देना है तो वो पैसा भी अपने मालिक की जेब से निकाल करके लेके आ जाएगा, उसको मतलब इस तरह ट्रेंड कर रखा है तो वो पैसा जहाँ रखा है वहां से उठा करके ले जाएगा। और अगर दुकानदार उसे दे रहा है कोई सामान दे रहा है तो वो देख लेता है कि इसने कितने पैसे का मुझे दिया है और कितना भी मेरा बकाया है। सो जब तक वो उसको वो पैसा नहीं देंगे तो उतना तब तक वो खड़ा वेट करता रहेगा। तो ये कहने का मतलब कुत्ते में तो दिमाग होता है, वो संगी जीव के अंदर आता है, पर मैं जस्ट ऐसा बताना चाह रही हूँ कि पशु पक्षियों में, छोटे जीवों में वर्तमान परिस्थिति में
कुछ जो चीजें होती है उनको थोड़ा रीड करना, सेंस करना, एनालिसिस करना, इतना वो अपने लेवल पर कर लेते हैं, जिससे कि उनका जीवन जो है वो सुरक्षित रहता है और वो सरवाइव कर सकते हैं जिस किसी एनवायरनमेंट में वो पैदा होते हैं। तो असंगी जीवों में दीर्घकालिक सोच नहीं होती, दीर्घकालिक प्लानिंग उनके अंदर नहीं होती है, थिंकिंग रीजनिंग उस तरह से नहीं होती जिस तरह से मनुष्य या संगी जीवों में होती है। मनुष्य है, देवता है, नरक के प्राणी है और तिर्यंच में भी जिनके पास में मन का विकास है, विशेष रूप से जो पंचेंद्रिय गर्भज पशु पक्षी होते हैं या मनुष्य होते हैं, सॉरी एनिमल्स होते हैं, उनमें मन का विकास होता है, इसलिए आप उसको उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो जैसे कुत्ते को इतना अच्छा ट्रेंड कर रखा है, और इसी तरह से एलिफेंट्स को ट्रेंड किया जाता है, अन्य पशुओं को, बंदर को ट्रेंड किया जाता है, तो वो उसी तरह से करतब दिखा देते हैं, उनको मालिक का क्या इशारा है, किस तरह से उसको कौन सा दिखा, क्या चीज दिखा वो करना है तो प्ले करना है, सो वो अब उन चीजों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो जिन लोगों के जीवों में दिमाग का विकास होता है उनको आप ट्रेनिंग भी दे सकते हो, उनको कुछ सिखा सकते हो और वो उस तरह से बिहेव कर सकता है। और मनुष्य में तो निश्चित रूप से दिमाग का विकास उच्च स्तर का होता है और वो जितना चाहे अपने दिमाग को विकसित कर सकता है, उसके पास में इस तरह का एनवायरमेंट भी होता है, एजुकेशन सिस्टम भी होते हैं और ट्रेनिंग उसकी इस तरह से की भी जा सकती है कि वो चाहे जितना विकास कर सकता है। तो मनुष्य जो संगी जीव होते हैं उसमें विशेष रूप से देवता भी आते हैं, नरक भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, और ये गर्भस्थ जो तिर्यंच प्राणी हैं वो भी आते हैं जिनमें मन का विकास होता है। तो ये संगी जीवों की बात हो गई। अब नौ संगी नौ असंगी भी एक कैटेगरी मानी गई है, जिसमें सिद्ध जीवों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, या जो केवल ज्ञानी हो जाते हैं वो भी एक तरह से नौसंगी नौसंगी की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो मन का उपयोग नहीं करते हैं, मन की उनको आवश्यकता नहीं रहती है, सीधा चूंकि उनकी चेतना से डायरेक्ट जो है परसेप्शन हो रहा है सब चीजों का बहुत क्लियरली और बहुत डिस्टिंक्टली, तो उनको जरूरत नहीं है कि वो किसी मन का उपयोग करे या इंद्रियों का उपयोग करे। सीधा डायरेक्टली अगर मन इंद्रियां है भी, से आंखों से वो आंखें खुली है और देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि वो आंखों से देख रहे हैं, आंखें खुली है निश्चित रूप से, किंतु आंखों से भी जो चेतना है काम कर रही है वो केवल ज्ञान की चेतना है, और इसलिए उनको आंखें की अपनी लिमिटेशन है, उनकी अपनी चेतना ही डायरेक्टली सब चीजें परसीव कर सकती है और ऑब्जर्व कर सकती है। तो ये इंद्रियों का, इसलिए सिद्धों को और केवल ज्ञानी को नौ संगी नौ असंगी कहा गया है। ना तो वो संगी की कैटेगरी में है, ना वो संगी की कैटेगरी है, ना वो बियॉन्ड है, दे हैव ट्रांसेंडेड दैट लोअर स्टेट्स ऑफ माइंड एंड सेंसेस। तो वो अपनी चेतना के स्तर पर, शुद्ध चेतना के स्तर पर काम कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा के स्तर से सारा कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस इज चैप्टर 31 जो कि ब्रीफली मैंने आपको डिस्कस किया है। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है बीच में तो कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यस, भैरोलाल जी को क्वेश्चन है। हाँ साहब, ये अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट। आप जो बोला ना गर्भज जीवों यस के अंदर कुछ हाँ विकास होता है, तो अंडज में भी ऐसा होता है, जैसे तोते आदि जीव, अंडज जीव हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे करके कुछ जैसे वो श्लोक बोलते हैं या करते हैं, तो वो अंडज वाले प्राणियों में भी इस हाँ तरह तो की। गर्भ, ये गर्भ जीवों में ही अंडज एक कैटेगरी है, अंडज, पोतस और जरायुस, है ना। आपने तो गर्भज बोला, ठीक है ठीक हाँ, नहीं है, वो अंडज को अलग। ये सब है गर्भज, क्योंकि गर्भ में ही होता है ना अंडा, तो गर्भ में ही बनता है ना, तो उसके गर्भ जीवों की तीन कैटेगरी हो गई, अंडज, पोतस और जरायुस। ओके, सो जितने भी पक्षी होते हैं वो अंडज होते हैं, सांप वगैरह ये सब अंडज होते हैं, और पोतश यानी खुले अंगों से पैदा होने वाले तो वो प्राय करके एनिमल्स होते हैं, और जरायुष जो झिल्ली के अंदर पैदा होते हैं वो मनुष्य होते हैं। तो जो झिल्ली के, जिनका जो गर्भ में, गर्भ की झिल्ली में, झिल्ली के होती है जिनके शरीर के चारों, तो वो गर्भज मनुष्य, वो पोतज मनुष्य कहला, जरायुष मनुष्य कहलाते हैं। तो मनुष्य जो है जरायुष की कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स जो है वो पोतज की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो खुले अंगों से पैदा होते हैं, झिल्ली में नहीं होते हैं, और पशु पक्षी जो है वो विशेष रूप से अंडज की कैटेगरी में आते हैं, और ये सब तीनों गर्भ जीवों के ही प्रकार हैं।
आप पिछले पिछले आपके उसमें क्रम में मैंने जब पूछा था ना कि जब केवल ज्ञानी जो है उच्चार्म चक्षुओं का क्या उपयोग करते थे, आज उसका उत्तर और अच्छी तरह से आपने दे दिया कि उच्चार्म चक्षु होते हैं परंतु वो अपने अंतर चक्षुओं से या अंतर ज्ञान से जो है वो अंतर चेतना से ही देखते हैं, अंतर चेतना से। ठीक, थैंक यू। ओके, अच्छा और कोई प्रश्न है किसी को? अच्छा समरी जी, मेरे को एक दो प्रश्न है। अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो छोटे छोटे जीव हैं जैसे मच्छर है या मक्खी है या वो है, मानो मैं एक्सप्लिसिट बोल रहा हूँ, मतलब तो वो छोटे हैं लेकिन उनके अंदर जो चेतना का विकास ऐसा होता है कि वो है जो उनमें थोड़ा निम्न स्तर का अवधि ज्ञान होता है या मन पर्याय ज्ञान होता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? इसका मतलब डायरेक्ट अपन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं संगी और असंगी का, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा हो पॉसिबल है? मतलब पहली बात है कि उनमें तो मन का ही विकास नहीं है, यानी उनका आंतरिक जो प्योरिटी है या योग्यता है वो मन के स्तर की भी नहीं है, तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान तो बहुत आगे की स्टेज है। नहीं 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 एक मिनट, थोड़ा उनमें जैसे केवल ज्ञानियों के अंदर जो चेतना होती है वो डायरेक्ट देख सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट नहीं, तो क्या ऐसे जीवों के अंदर मन नहीं होने के बावजूद भी क्या वो डायरेक्टली मतलब है जो परसीव कर सकते हैं क्या? मतलब मैंने आपसे कहा ना कि उनमें क्या सेंसिंग पावर होती है, सेंसिंग मतलब श्रुत ज्ञान है, इसको आप अवधि या मन पर्याय ज्ञान मत कहिए, ठीक है अच्छा ना। मन पर्याय ज्ञान तो बहुत हायर कैटेगरी है जो कि तीर्थंकरों को जल्दी से मिलती है, वो भी हाँ दीक्षा हाँ लेने के बाद मिलती है, पहले उनको में उनमें भी वो ज्ञान नहीं होता है। हाँ हाँ नहीं पर एक और मिनट वो एक उसका संबंध तो मन मन को रीड करने से है, तो वो मन का, ये मेरा आपसे कहना है कि इस मतलब जितना जीव का जो जो जितनी जितनी उसमें इंद्रियां विकसित होती जा रही है, चेतना का स्तर उतना विकसित होता जा रहा है उसके अंदर, तो आपको इंद्रियों के स्तर पर देखना है कि मक्खी जैसे तीन इंद्रिय जीवों के अंदर आती है ना, तो तीन इंद्रिय कुछ जीव चार इंद्रिय वाले, तो इसका मतलब है कि उनकी चेतना चार इंद्रिय तक विकसित हो गई है, तीन इंद्रिय तक के स्तर पर विकसित हो गई है, उससे आगे की हाँ हाँ चेतना नहीं है विकसित उनमें। पर उनमें जैसे मैंने कहा अवधि ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो मति ज्ञान तो ये है कि जितनी इंद्रिया विकसित है उतना तो वो डायरेक्टली इंद्रियों के माध्यम से जान ही रहे, वो तो ठीक है। और श्रुत ज्ञान में वो सेंसिंग पावर उनके अंदर होती है, एनवायरमेंटल चेंजेस क्या हो रहे हैं उसको उसके वाइब्रेशन रीड करने का, या मनुष्य जो पास में आ रहा है वो उनको मतलब उनका अपना मालिक है या कोई दूसरा व्यक्ति है, तो वो पहचानने की क्षमता उन जीवों में होती है, या आसपास के एनवायरनमेंट में उनका अनुकूल एनवायरनमेंट है कि उनके लिए वो प्रतिकूल है, तो उसको सेंस करना उनको आता है और वो वहां से माइग्रेट करते हैं, जहाँ सेफ प्लेस है वहां चले जाते हैं, तो इन जीवों में सेंसिंग पावर होती है, सेंसिंग पावर। नहीं वो भी ठीक है। एक मिनट, एक थोड़ा कंफ्यूजन है। कुत्ते और बिल्ली है, जैसे कुत्ते और बिल्ली है उनके सेंसेस भी डेवलप होते हैं, मतलब ठीक है, उनमें क्या अवधि ज्ञान होता है या मन पर्याय ज्ञान होता है? देखिए तिर्यंच जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उनमें तो संभावना है अवधि ज्ञान की, हाँ हाँ उनमें संभावना है, जिनमें जो पंचेंद्रिय है उनमें संभावना है, हाथी में हाँ मतलब आगमों में हाथी का उदाहरण तो मिलता ही, हाथी में अवधि ज्ञान था, समझ में आया ना। अवधि ज्ञान के उदाहरण आपको मिल सकते हैं पशुओं में, परंतु वो होने चाहिए पंचेंद्रिय और गर्भज होने चाहिए, मतलब मानसिक विकास उनमें होना चाहिए, उस स्तर तक तो उसकी चेतना विकसित होनी चाहिए, तभी ये आगे के ज्ञान को वो समझ पाएगा। नहीं, अहमदाबाद के अंदर गुजरात में जो भूकंप आया था 2002 के अंदर, हाँ तो उस भूकंप के बाद में थोड़ी स्टडीज की थी लोगों ने, और मेरी डॉटर जिस हॉस्टल में थी मतलब वो पढ़ती थी, तो उसका क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है कि भूकंप आने के 2-3 घंटे पहले मतलब वहां पे बिल्लिए और कुत्ते मतलब थे कुछ उसके पाले हुए, मतलब जो वो अपना ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के अंदर, तो वो रोने लग गए मतलब और कांपने लग गए, मतलब वो 2-3 घंटे पहले ही, मतलब तो मैंने ये तो आपसे यही क्लियर तो कट कहा ना कि अवधि ज्ञान का उदाहरण है ये तो। बिल्लियां और कुत्ते संगी जीव है, पहली बात तो ये है, उनके अंदर तो हाँ मानसिक विकास है ऑलरेडी, उनके हाँ अंदर है माइंड का डेवलपमेंट है, ठीक करेक्ट है ना।
और दूसरा ये है कि अपन मनुष्य होते तो अपन 50 चीजों में दिमाग लगाते रहते हैं और उसमें उलझे रहते हैं। पशु तो बेचारा जो है वर्तमान में जो सामने आया उसको देखा उसको, और यूज उनका अपना खाना है तो बस उतना ही कंसर्न होता है, तो उनकी चेतना बहुत ही कंसंट्रेटेड रहती है, डाइवर्टेड नहीं रहती है। तो उनको एनवायरमेंटल जो चेंजेस होते हैं उसको वो सेंस करने की उनकी कैपेसिटी अच्छी होती है। हमारी चेतना बहुत डाइवर्टेड है, डिस्ट्रेक्टेड है, नहीं, ठीक है ना, एक डिसेंट्रलाइज्ड है। कंपैरेटिवली कॉमन मैन की बात करते हैं, मनुष्य तो केवल ज्ञानी भी बन सकता है, अपना ज्ञान का वो उस स्तर का विकास कर सकता है, बट कहने का मतलब कॉमन ज्ञान। आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ इस सेंस में कि ये जिस पशु की आप बात कर रहे हो वो तो सब पंचेंद्रिय है, बिल्ली भी पंचेंद्रिय है, मानसिक विकास है, कुत्ता भी पंचेंद्रिय है, वो भी मानसिक विकास है, हाथी हो, घोड़ा हो, इनको अवधि ज्ञान हो सकता है, हाँ, इनको अवधि ज्ञान हो वही सकता मैं है, पूछ रहा हूँ। हो नहीं तो सकता है, अभिज्ञान का परंतु कोई मानसिक, नहीं, एक मिनट, मानसिक जो विकास है क्या वो हाँ आवश्यक है अवधि ज्ञान के लिए, या बिना, मतलब कोई मानसिक विकास तो आदमी का भी है, लेकिन आपने कहा जैसे कि उनका मन भटकता रहता है, दुनिया भर के विचार आते हैं, इसलिए वो है जो फोकस नहीं कर पाते, वो अलग चीज है। लेकिन वो तो सेंसेस रिलेटेड जो ज्ञान है वो, लेकिन जो अवधि ज्ञान है उसका, उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो जो सेंसेस है उससे। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसके है जो सेंसेस डेवलप है उसी को अवधि ज्ञान होगा, मेरे ख्याल से कोई कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। अवधि ज्ञान सेपरेट चीज है, मतलब वो क्या बियॉन्ड स्पेस और टाइम देखता है, मतलब। तो सेंसेस देखिए जो है अभी वो मैं अवधि विदिन, अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान की अपन चर्चा करेंगे। ये 33 चैप्टर जो है अवधि ज्ञान पर ही बेस्ड है। अच्छा ठीक उस है, बिल्कुल ठीक। उसमें ये भी बताया है सब जीवों के अवधि ज्ञान की लिमिटेशन भी बताई है, किन जीवों में ये अवधि ज्ञान पाया जाता है इसकी चर्चा है, तो काफी विस्तार से चर्चा की गई अच्छा अच्छा है ठीक है, ना। वंदन आपको। हाँ श्रवणी जी, वंदना में हाँ जो पोखरणा साहब कह रहे हैं उसको मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ओघ संज्ञा कही गई है। जो संज्ञा है 10, उसमें तो ओघ संज्ञा जो है उसमें इस प्रकार का सेंसेशन होता है, जैसे भूकंप आ रहा है तो भूकंप का उनको ज्ञान हो जाता है, तो वो संज्ञा के रूप में है, अवधि ज्ञान के रूप में मेरी दृष्टि से नहीं है, बिल्कुल संज्ञा के रूप में होता सही। है। दो एक उदाहरण और मिलते हैं समय जी ऐसे, जैसे ये मधुमक्खी होती है तो उनकी एक रानी होती है, तो रानी चाहे कितनी डिस्टेंस पे रहे वो मधुमक्खियों को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। तो रानी जब तक जीवित है तब तक मधुमक्खियां अपना काम करती हैं, अगर रानी मर जाए तो मधुमक्खियों को मालूम नहीं है कि क्या करना है, वो फिर वो अपना छत्ता नहीं बना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो उदाहरण ये देखने को मिलता है, उसमें भी मैं समझता हूँ ये भी ओघ संज्ञा का होना चाहिए। एक उदाहरण और मिलता है, दीमक, दीमक की रानी होती है, वो जमीन के करीब 40 फीट नीचे रहती है। हाँ, और वहां रह करके फिर ऊपर दीमक कैसे काम करेगी, उनको इंस्ट्रक्शन देती है। तो अच्छा ये भी, हाँ ये भी साइंस ने मालूम किया है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो ये सारे कम्युनिकेशन के जो सिद्धांत, जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे वो मधुमक्खी है चाहे दीमक है, ये अवधि ज्ञान नहीं कहा जा सकता, सही ये बात। संज्ञा का, एक संज्ञा का ही रूप है जो उन जीवों में वो व्यक्त रहता है, या उनमें उनमें उनकी कैपेसिटी रहती है, उनके समर्थ रहते हैं वो। हम जैसे लोग में ये संज्ञा, मनुष्य में ये संज्ञा ऑलमोस्ट लोप हो गया उसका, क्योंकि हम लोग रैशनल बींग्स हैं, मानसिक बींग है, तो वो संज्ञा हमारे यहाँ प्रकट नहीं हो पाती, तो हम लोग नहीं कर सकते जो वो छोटे जीव कर सकते हैं। ये ओक संज्ञा का मेरे ख्याल से उदाहरण है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वो इसमें अवधि ज्ञान से कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सही। तो नहीं सारा साहब नहीं जी ने कुछ मैं इसको वर्तमान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ, मतलब कि क्या मैकेनिज्म हो सकता है, जैसे वो नॉन लोकल इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट है, उससे शायद उसके थ्रू अवधि ज्ञान की व्याख्या की जा सकती है। और दूसरी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि 2009 के अंदर अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी,
अपने यशो विजय जी महाराज साहब, ये मंदिर वाले हैं, श्वेतांबर वाले, तो उन्होंने क्या है कि कितने ही जीवों के बारे में कहा था कि साइंटिफिकली जो वेरीफाइड है कि उनमें ये होती है, मतलब इस ढंग का ज्ञान। और फिर उन्होंने कहा कि जैन धर्म की दृष्टि से उसको कैसे अपन समझ सकते हैं, मतलब बहुत ही जबरदस्त। और दो दो किताबें भी निकाली उन्होंने, मतलब उसके ऊपर। तो मेरा वो पुस्तक है, हम ट्राई करेंगे लाने के लिए जेएस के अंदर, और उसके ऊपर थोड़ा अपने को भी विचार करना चाहिए उसके ऊपर भी, मतलब। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन आपको। ठीक है, भेरूलाल हेलो। शाह कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए, आप म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। आप म्यूट म्यूट है, करें, म्यूट है। आप अनम्यूट करें साहब। समुच्चिम जो जीव है वो सब असंगे ही होते हैं ना। हाँ, समूर्छिम तो असंगी ही होते हैं, हाँ उनमें तो यस, मानसिक विकास नहीं होता है। आप जो अभी बात कर रहे थे, जो कभी वो दूर से ही उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये टेलीपैथिक जो है, आज हम महसूस करते हैं किसी का फोन आता है तो उसके कुछ ही क्षणों पहले हमको उसकी स्मृति आ जाती है। तो ये भी तो एक तरह का जो संदेश व्यवहार है, जिसको कि हम सेंसेटिव जो है उनको मालूम पड़ जाता है उस क्षण में, एक 2 मिनट, 4 10 मिनट, या 2 मिनट 10 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड पहले ही जिस व्यक्ति का चिंतन आता है उसी का एकदम फोन आ जाता है। तो ये भी तो एक तरह का आपस में सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ने का ज्ञान है या संज्ञा है। थोड़ा सा एक खचारा साहब ने जो कहा है, हमें वो बात तो समझना ही चाहिए, क्योंकि छोटे जीवों में ओघ संज्ञा यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसको मैं मतलब मनीषी महेंद्र कुमार जी से मैंने जब डिस्कशन किया तो मुझे समझ में आया, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है जिसमें कि पूरा मतलब पूरा वो एक जीवों का वर्ग एक दूसरे से कनेक्टेड भी होता है और एक दूसरे को फॉलो करता है। तो ये कछार साहब का जो जवाब है वो ज्यादा मतलब लॉजिकल लग रहा है। और दूसरा ये है कि अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान जो हम जो कह रहे कि इंट्यूट, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म ये दो तरह के कर्म है। दोनों का जीवों में क्षोपशम होता है, हर जीव में होता है। और दर्शनावरणी कर्म से इंद्रियों का तो विकास होता है, ये क्या क्षोपशम होने से इंद्रियों का जिस तरह से विकास होता है, तो मैं थोड़ा सा ये समझती हूँ कि इससे थोड़ा सा इंट्यूट करने की पावर मनुष्य के हर जीव के अंदर डेवलप होती है, इंट्यूट करने की, है ना। सो दर्शनावरणी कर्म का क्षोपशम न्यूनाधिक रूप में हर जीव के अंदर होगा ही होगा, तो वो सेंस करने का या इंट्यूट करने का उसमें पावर डेवलप रहती है। इसलिए हमें आभास पूर्वाभास हो जाता है, कुछ ऐसा अनहोना होना है या कोई विशेष बात होनी है जो कि बिल्कुल एक तरह से सरप्राइजिंग चीज होगी और बड़ी चीज होगी, तो हमें वो उसका पहले से हमारी चेतना उसको इंट्यूट कर लेती है। तो ये इंट्यूशन पावर है और इसी को मैं थोड़ा भी सेंसिंग पावर कह रही हूँ। तो ये दर्शनावरणी कर्म के क्षोपशम से हर जीव के अंदर विकसित होती है, जिनके अंदर ये पूरी चेतना का अनावरण हो जाता है तो इंट्यूशन पूरे वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के कर सकते हैं, इंट्यूट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। तो वो थोड़ा सा उसको इंट्यूटिव पावर कहिए, वो हर जीव में होता ही है। तो शमनी जी, मैं जरा थोड़ा बोल्डली कहूंगा इसके बारे में, कि जो होलोग्राफिक मॉडल जो डेवलप किया है, उस होलोग्राम के कंसेप्ट से इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है, मतलब। क्योंकि होलोग्राम पूरा कंटेक्ट कनेक्टेड है, मतलब टोटल। तो वो जो ग्लोबल कॉन्शियसनेस का जो कंसेप्ट है, मतलब वो चेतना का, मतलब विश्व स्तरीय चेतना, तो ये उससे, उस मॉडल से इसकी व्याख्या की जा सकती है आराम से, मतलब। पर तो अवधि ज्ञान जब देखिए आता है तो वो थोड़ा इससे अलग है, मतलब। तो वो जो है वो नॉन अवधि लोकल, अवधि वो हाँ नॉन लोकल इंफॉर्मेशन है। अवधि ज्ञान जो है वो नॉन लोकल है, वो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम के है, एक्सप्लिसिटली, मतलब। और मैं इसके बारे में कचारा साहब से और हाँ से जो, पर हाँ, तो ये अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान केवल ज्ञान तो अतींद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय, अतींद्रिय वही मैं कह रहा हूँ, ज्ञान। तो नॉन लोकल है और वो। अतींद्रिय ज्ञान का विकास होने में आंतरिक प्योरिटी का लेवल भी उतना हाई चाहिए ना। हाँ सो हाँ हम हाँ इसलिए हम उसको एक्सप्लिसिटली उन जीवों में अवधि ज्ञान है मन पर्यय ज्ञान है ऐसा हम नहीं बोल सकते,
ऐसा हम नहीं नहीं कह तो उसका फिर सकते वो हैं। होलोग्राफिक मॉडल से वो एक्सप्लेन किया जा सकता है जो कि अवधि ज्ञान और उससे शायद अलग है, ऐसा लगता है मेरे को। वो टोटल नॉन लोकल इंफॉर्मेशन है उसका, है मतलब वो उससे उसके लिए एक्चुअली वो वास्तव चीज में पर्सनल। शास्त्रीय दृष्टि से तो जो कहा जाता है कि हम में केवल ज्ञान होता है, हर जीव के अंदर केवल ज्ञान है, ठीक है हाँ ना। हाँ हाँ ओरिजिनल हाँ ज्ञान तो जीव का केवल ज्ञान ही है वही नॉन लोकल ना? इंफॉर्मेशन वो और सब जगह होती है। हाँ, केवल ज्ञान की मूल ज्ञान तो केवल ज्ञान है। ये तो ये है कि उस केवल ज्ञानावरणी कर्म का जब तक पूर्ण क्षोपशम नहीं होता है, तब तक हम उसको केवल ज्ञान की कैटेगरी में न डाल करके उसको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो पूर्ण विकसित ज्ञान का नाम केवल ज्ञान है। जब तक पूर्ण विकसित अवस्था में आप नहीं पहुंचे हैं, तब तक आप लोअर कैटेगरी इज जो है वो उसकी उस दृष्टि से उसको डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए जैसे नंदी सूत्र में कहा गया है कि भाई जीव के जो अनंत ज्ञान उसके अंदर है, क्षमता उस केवल ज्ञान के रूप में, उसका अनंतवा हिस्सा हर जीव में विकसित रहता है, हर जीव में विकसित होता है। तो वही बिल्कुल चेतना, केवल ज्ञान रूप चेतना का एक एक अंश आप में विकसित है, पूर्ण विकसित हो जाए तो केवल ज्ञान कहलाता है। आंशिक रूप में हर जीव के अंदर उसका विकास है, हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो और उसके आधार पर ये जीवों का वर्गीकरण किया गया है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, या संगी या असंगी, या जो भी है। तो ये चेतना का किस किस जीव में किस स्तर का विकसित विकास हुआ है उसको ही तो डिफाइन करने की कोशिश की गई है ना। तो अच्छा थोड़ी अच्छा बहुत हाँ सेंसिंग हाँ पावर उसके अंदर हो सकती है उस तरह की, बट हम उसको अच्छा उस तरह का ज्ञान नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा हाँ, जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप शुरू करिए वापस ओके। अगला चैप्टर। सो ये हमने आज डिस्कस किया, संगी असंगी और नौ संगी नौ असंगी। ये जो संगी के आधार पर जो तीन जीवों के वर्गीकरण तीन तरह से किए गए हैं, वो चैप्टर नंबर 31 में डिस्कस किया गया है। चैप्टर नंबर 32 है, उसमें चारित्र के बारे में चर्चा हुई है, उसका नाम है संयत पद, यानी संयम के बारे में चर्चा की गई है। और ये जैन धर्म में संयम को, त्याग को और विशेष रूप से चारित्र पालन को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि ये मोक्ष का सीधा मार्ग है, और कर्म के बंधनों से बचने का और पूर्वार्जित कर्मों को नष्ट करने की एक विशिष्ट साधना है, जिसको हम संयम या चारित्र कहते हैं। तो चारित्र के भी जो है तीन कैटेगरीज की गई है कि चारित्र, किसके पास चारित्र होता है, किसके पास नहीं होता है, संयम की चेतना किसमें विकसित होती है, किसमें नहीं होती है, उसके आधार पर जीवों के तीन वर्गीकरण किए गए हैं, उसमें असंयत, संयत असंयत और संयत, तीन कैटेगरीज की गई। असंयत का मतलब है कि जिसमें संयम की चेतना का कोई विकास ही नहीं है, उसे बोध ही नहीं है इस चीज का कि हमें क्या त्याग करना चाहिए, किस तरह की हिंसा, किस चीज में हिंसा होती है, किस में अहिंसा होती है, हम अहिंसा का जीवन किस तरह से जिए। तो ऐसा सामान्य प्राणियों में संयम का विकास नहीं होता है, जो एक इंद्रिय से लेकर के सपोज असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में चारित्र की संभावना नेग्लिजेंट है, वो एक तरह से असंयत की कैटेगरी में आते हैं। किंतु जो तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं, उनमें वो चूंकि पूर्व जन्म में कभी श्रावक रहे होंगे, धर्म को उन्होंने सुना होगा, जाना होगा, नियमों का पालन किया होगा, व्रतों को आचरण किया होगा, तो पूर्व जन्म की स्मृति होने से उनमें वो ज्ञान कभी कभी विकसित हो जाता है, संयम की चेतना का विकास हो जाता है, तो वो थोड़े बहुत त्याग का पालन करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका पूर्व जन्म का अनुभव है उसके साथ में जुड़ा हुआ। सो ऐसा आप कई एग्जाम्पल्स देखते ही होंगे, साधु साध्वी जब भी विहार करते हैं, कभी कभी आप देखते हैं उनके साथ में कुछ डॉग्स साथ में चलने लग जाते हैं, कुत्ते जो हैं वो साथ में चलते हैं, उनके प्रवचन में बैठते हैं, रात्रि में कुछ नहीं खाते हैं, जल्दी से भौंकते नहीं है किसी और के कुत्तों के ऊपर, जो जनरल कुत्तों की टेंडेंसी होती है वो उनमें जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलती है। तो वो चूंकि हो सकता है पूर्व जन्म के श्रावक हैं और इस जन्म में वो कुत्ते की योनि में चले गए किसी कारण से, परंतु उनको पूर्व जन्म का अगर अनुभव हो गया साधुओं को देख करके, धर्म की कोई बात सुन करके, किसी कारण से उनको उस तरह का पूर्व जन्म की स्मृति हो गई है और उनको अपना पास्ट जीवन दिख रहा है और वो किस तरह से व्रत का पालन करते थे, तो उस जीवन में भी वर्तमान में भी वो किस तरह से कर सकते हैं,
उसके लिए वो प्रयास करते हैं, तो वो इस तरह का संयम का जीवन अपना भी लेते हैं। आगमों में तो कई उदाहरण हैं, चंडकोशिक सर्प का भी उदाहरण है, एक नंदन मणिहार सेठ थे जो कि बड़े धनी थे, ज्वेलर थे शायद, और ज्वेलरी का धंधा करते था उनका, ज्वेलरी का, और उन्होंने एक बहुत सुंदर बगीचा भी बनवाया था जिससे कि लोगों को जो रास्ते में चलते हैं, राहगीर चलते हैं, पहले तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, सुविधा नहीं थी, पैदल ही चलते थे लोग, एक गांव से दूसरे गांव जाना है या व्यापार के लिए कहीं जाना है, तो उन्होंने देखा कि लोग इतने आते जाते हैं, तो उनके लिए एक धर्मशाला उन्होंने बनाई थी, बहुत सुंदर एक बगीचा बनाया था, तो उस और उसमें एक अच्छी बावड़ी थी, पानी पीने की, मीठे पानी की बावड़ी थी उस, तो लोग उस जब आते थे, ठहरते थे, पानी पीते थे, और शीतल छाया और हवा उनको मिलती थी उस उपवन में रह करके, तो बहुत उनका अप्रिशिएट करते थे उनको, तो उनका धीरे धीरे उस चीज को लेकर के वो हो गया कि देखो मैंने कितना सुंदर उपवन बनाया है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और ये मेरी बावड़ी का पानी पी करके लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उनका उस बावड़ी के प्रति अटैचमेंट हो गया, उस उपवन के प्रति हो गया, तो मर करके वो मेंढक बन गए उसी बावड़ी में। तो ये नंदन मणिहारा मेंढक की कहानी भी आती है, और जब कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए वहां बावड़ी पे आई और भगवान महावीर का उस नगर में पदार्पण हो रहा था, तो चर्चाएं वो आपस में जब कर रही थी, तो उसको सुन करके मेंढक को पूर्व जन्म का अवधि ज्ञान हो गया, सॉरी पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, जिसको पूर्व जन्म स्मृति कहते, पास्ट लाइफ जो है रिग्रेशन, तो उस उन्होंने देख लिया कि मैं तो इतना बड़ा श्रावक था यहाँ का, और मैंने ये सारा कुछ क्रिएट किया था, और मेरी अपनी आसक्ति के कारण से ही मेरा जन्म इस तरह से मेंढक के रूप में हो गया है, बट अब भगवान महावीर आए तो मुझे उनका दर्शन करना चाहिए, और वो मेंढक के रूप में कुएं से निकल करके दर्शन के लिए जाते हैं, किंतु बीच में राजा श्रेणी का पूरा दलबल चल रहा था, वो रथ में सवार थे, और उस रथ के किसी पहिए से उनका मेंढक जो है वो घायल हो जाता है और चलने की स्थिति नहीं रहती है, तब वो वहां पर संधारा भी करते हैं, ठीक है ना, और संधारा करके देवघर के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि मेंढक के रूप में भी पूर्व जन्म की स्मृति हो सकती है, हाथी के रूप में के भाव में भी हो सकती है, कुत्ते के रूप को भी हो सकती है, घोड़े के रूप में, हमने देखा कि एक मूर्ति पूजक संत विहार कर रहे थे और सामने से कोई घोड़ा आया, तो उसने झुक करके उनको वंदन किया, नमस्कार किया, दोनों पैरों को टिका करके, ये लिविंग अभी का एग्जाम्पल है। ये पूर्व जन्म में जो श्रावक रह चुके हैं, जिनको धर्म का के प्रति बहुत श्रद्धा और आचरण जिन्होंने किया है, और किसी कारण से अगर इस तरह से पशु योनि में चले जाते हैं, तो वहां रह करके भी वो श्रावक धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए वो पशु में भी श्रावकत्व की संभावना है, और इसी तरह से मनुष्य तो श्रावक होते ही हैं, जो पूरी तरह से साधु नहीं बनते हैं, किंतु अपने जीवन में 12 व्रतों का पालन करते हैं, छोटे बड़े कुछ नियम स्वीकार करते हैं, और उसका सही ढंग से आचरण करते हैं, तो संहिता सहित की कैटेगरी में आते हैं, और जो साधु होते हैं, जो 5 महाव्रतों का पूर्ण पालन करते हैं, उनको संहत की कैटेगरी में लिया गया है, और वो 5 प्रकार के चारित्र का पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहला चारित्र जो कहलाता है वो सामायिक चारित्र कहलाता है, यानी जो भी साधु बनते हैं वो सबसे पहले इस चारित्र को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत वो 5 महाव्रत जो साधु के मूल नियम है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, इन सब नियमों को पूर्ण रूप में पालन करने का मन से, वचन से और कर्म से संकल्प करते हैं, और लाइफ लॉन्ग उसका पालन करते हैं, तो वो संयत की कैटेगरी में आते हैं। तो सामायिक चारित्र होता है जिसमें कि ज्यादा डिटेल में सब कुछ नियमों का जो है उल्लेख नहीं करके, वो जो बड़े रूप में ब्रॉडर दृष्टि से जो व्रत नियम होते हैं उन नियमों को वो स्वीकार करते हैं। देन छेदोपस्थापन, ये चारित्र कहलाता है जिसमें वो पूरी डिटेल में जाते हैं कि अहिंसा का पालन मुझे करना है तो किस तरह से करना है, किस किस रूप में करना है, कि हिंसा किस तरह की होती है, किन किन जीवों की होती है, किस किस रूप में होती है, तो वो सारे डिटेल में जाकर के उस चीज को पूरा एक्सेप्ट करते हैं और उसका आचरण शुरू करते हैं। तो प्राय करके हमारे ट्रेडिशन में तो ये नियम है कि जो भी साधु बनते हैं वो पहले सामायिक चारित्र स्वीकार करते हैं, देन आफ्टर 1 वीक वो छेदोपस्थापनीय चारित्र को एक्सेप्ट करते हैं, ना पूरा डिटेल समझते हैं और उसका उसी तरह से पालन करते हैं। एंड तीसरा चारित्र होता है विशुद्धि चारित्र, तो ये विशुद्धि इस चारित्र के पालन में थोड़ी
साधना का एक विशेष प्रकार होता है, तो उसमें करीबन नौ नौ दुनी 18 ओके 19 करीबन साधु होते हैं। सो वो नौ साधु जो है तपस्या करते हैं, विशेष प्रकार की नौ उनकी सेवा करते हैं और एक आचार्य के रूप में उनका निर्देशन करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो ये विशुद्धि चारित्र जो है उसकी वो विशिष्ट तप करने वाले साधकों की एक स्टेज है, स्टेट है जिसमें वो जा सकते हैं, और उस टाइम बीइंग के लिए पूरा 1 ईयर के लिए वो पूरा चारित्र का विशेष रूप का तप का अनुष्ठान ही करते हैं उसमें, और पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। यानी कहा जाता है कि उसमें किसी तरह का प्रमाद नहीं होना चाहिए और नींद भी शायद बहुत कम लेते होंगे, पूरी ज्यादा उनका समय साधना और तपस्या में ही बीतता है, तो वो विशुद्ध चारित्र कहलाता है। तीसरे अंतिम है सूक्ष्म अंतिम से पहले है सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र। तो गुणस्थान का कंसेप्ट अगर हम जानते हैं जैन परंपरा में, तो आध्यात्मिक विकास की अनेक सीढ़ियां मापदंड निश्चित किए गए हैं। तो जो 10th स्टेट में पहुंच जाता है, 10वें गुणस्थान में पहुंचता है, तो उसका वो जो लेवल ऑफ चारित्र है वो सूक्ष्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और बाद में है यथाख्यात चारित्र, यानी 11वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जो साधु हैं उनका चारित्र यथाख्यात चारित्र कहलाता है। यानी वो चारित्र वीतराग आत्माओं में, वीतराग मुनियों में ही पाया जाता है। राग द्वेष जब तक समाप्त नहीं होते हैं तब तक वो यथाख्यात चारित्र की कैटेगरी में नहीं आते। तो तीर्थंकर जो होते हैं उनके पास यथाख्यात चारित्र होता है। पहले 11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान के बीच के जो भी साधु हैं उन सब में वो चारित्र पाया जाता है। तो ये 5 तरह के चारित्र की भी चर्चा जो है 32nd चैप्टर के अंदर की गई है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि संयम की चेतना का विकास होना, मैं चूंकि चाइनीज फिलोसॉफी का एक कंसेप्ट देख रही थी कि वो ये कहते हैं कि मनुष्य का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि चारित्र का विकास करना भी है। तो मनुष्य जो है वो केवल नोइंग एजेंट नहीं है, वो एक मोरल एजेंट भी है, उसमें मूल्यों का विकास होना ये भी उसका एक चेतना का पार्ट है। तो जैन धर्म में तो इस बात पर बहुत एम्फेसिस किया गया है कि भैया अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो चारित्र एंड वैल्यूज भी साइमल्टेनियसली हमें डेवलप होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान का कोई प्रयोजन है। अदरवाइज तो ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन ले ली और लाइफ में उसका कोई बेनिफिट आपने नहीं लिया उस ढंग से जिस तरह से लेना था। तो ये मैंने 32nd चैप्टर के बारे में आपसे बताया कि संयम की चेतना का विकास भी जीवों में किस तरह से होता है, किस लेवल पर होता है और कितने प्रकार से होता है। तो इस विषय में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। समनी जी, यस, जो समय विशेष के लिए प्रतिमाधारी श्रावक की श्रेणी में जाता है उसके क्या सामायिक चरित्र उस समय के लिए हो सकता है, होता है? वो श्रावक भी जो है वो श्रावक की प्रतिमा का पालन कर रहा है, उसका घर से संबंध है, वो घर से मुक्त नहीं है, देह त्यागी नहीं है, और वो पूरी तरह से सारे व्रतों का पालन उस रूप में नहीं कर रहा जो एक साधु करता है। तो पहली बात तो गृह त्यागी होना जरूरी है साथ में, साधु होने के साथ, तो इसलिए वो उसमें चारित्र वो नहीं आता है। मतलब उसको उसमें जो भी है वो प्रतिमा का पालन भी कर रहा, तो वो देश चारित्र की एक मतलब हायर कैटेगरी या हायर स्टेज कह सकते हो आप, पर वो श्रावकत्व ही है। मतलब सामायिक चारित्र नहीं हो सकता वो देश? नहीं नहीं नहीं, सामायिक चारित्र का मतलब ये कि साधु बनना, नहीं वो साधु बनना है पर वो समय विशेष के लिए उस सभी चर्याओं का और उसका पालन करता है। ये उसमें मैंने जा पढ़ा है कि उसके संबंध में कि वो संपूर्ण तरह से वो ग्रह से वो भी भिक्षाचरी करता है पर अमुक घरों में जाता है, अमुक लिमिटेड घरों में जाता है क्योंकि उसकी जो संकोच और वो के कारण से वो सब जगह नहीं जा पाता है, वो भी भिक्षा करके ही अपना जो है जो करता है जो आप वो पालन करता है। जैसे पोषित करते हैं, आप पोषित करते हो चाहे वो प्रतिमाधारी श्रावक बनते हो, श्रवण भूत प्रतिमा जिसको कहते हैं लास्ट प्रतिमा जिसमें वो साधु की तरह जीता है, बट साधु पूरी तरह से बना नहीं है, वो ग्रह त्यागी नहीं, वो समय विशेष के लिए ही वो करता है मान लो तो वो... हाँ, पर उसको उसको श्रावक को तो क्योंकि उसका रिलेशन देखिए
वो परिवार श्रावक के साथ। कहलाता है, मतलब वो प्रतिमाधारी श्रावक ही कहलाता है वो हाँ, तो। वो प्रतिमाधारी श्रावक ही कहलाएगा, वो श्रावक की कैटेगरी में आए। इसलिए श्रावक की प्रतिमा या साधु की प्रतिमाओं में भी जो है अलग अलग बताई गई है। साधुओं की प्रतिमा अलग है और श्रावकों की प्रतिमाएं अलग है। तो जिसमें कि श्रावक अपने घर से को पूरी तरह से त्यागता नहीं है, उसके संबंध है, उसका परिवार है, उसके मान लीजिए सपोज बैंक बैलेंस भी कुछ होंगे, तो वो सब कुछ चीजें तो रहती है ना। जब तक उसको रहना है गृहस्थ जीवन में, वो सब उसकी नेसेसिटीज है, तो उसको वो ओवरलुक भी नहीं कर सकता और गिव अप भी नहीं कर सकता है। वो समयावधि के उसमें काल में वो त्यागता है, मतलब जो समय के लिए वो प्रतिमा धारण करता है उस समय के लिए वो ग्रह का भी और अपने संबंधों का भी और वो सब का वो त्याग कर देता है, सही ऐसा है, मैंने पढ़ा परंतु इस हाँ होता है, परंतु उसको श्रवण भूत प्रतिमा कहा है, यानी वो साधु की तरह हो जाता है, बट वो साधु नहीं है, साधु की साधु तरह नहीं, हो जाता साधु है, नहीं, प्रतिमाधारी साधु नहीं। श्रावक के रूप में ही कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल केवल कोरा केवल ज्ञान और ज्ञान और दर्शन चारित्र के बिना अधूरा है, क्यों चारित्र के बिना कोरा ज्ञान और कोरा दर्शन वो कोई फल श्रुति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो चारित्र जो है वो सबसे ज्यादा कंपलसरी जरूरी है संपूर्ण बनने के लिए। बिल्कुल सही बात है। केवल ज्ञान केवल चारित्र, मतलब आप केवल ज्ञान केवल दर्शन की बात नहीं कर रहे हो आप, मतलब कोरा ज्ञान या कोरा दर्शन, मतलब जस्ट नॉलेज है और हाँ पालन नहीं करता है, तो वो सही बात है। यही कहा जाता है चारित्र कि आप मान लीजिए कि आपको पता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है सपोज, तो मुझे मालूम है कि ये टेबलेट लेने से मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है, तो नॉलेज तो है, ठीक है, अच्छी बात है, पर लेना भी तो पड़ेगा ना उसको ठीक करने के लिए। सो वही बात ज्ञान और चरित्र के बारे में। धन्यवाद, आभार। अच्छा यस एनीथिंग, क्योंकि और किसी को कोई प्रश्न है? ये दो छोटे छोटे चैप्टर्स थे और मैंने कहा कि ज्यादा उसमें वो टिपिकल चीजें डिस्कस करूंगी तो बोरिंग ना हो, सो मैंने उसको ब्रीफ कर दिया जस्ट। अच्छा समनी जी, एक एक जबरदस्त कंफ्यूजन है, वो जो 47 शक्तियों की जो पुस्तक पढ़ रहा हूं मैं अभी, अब उसमें ऐसा क्या काफी जगह ऐसा लिखा हुआ है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा है, मतलब और उससे क्या है कि जो दर्शन है या दूसरे जो गुण है मतलब, तो वो इम्प्लिसिटली उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं मतलब। तो अभी इसी संदर्भ में वह प्रश्न बनता है कि जब आप कह रहे हैं कि चरित्र अलग है, ज्ञान दर्शन अलग है, केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल चरित्र, दर्शन और चरित्र अलग है। मेरा ऐसा मानना है कि जो वो जो कांची स्वामी की पुस्तक में पढ़ रहा हूँ उसके अंदर ये चारित्र भी आ जाता है और दर्शन भी आ जाता है, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा वो उसमें से अब है जो मैं समझ पाया हूँ। इसको दो दृष्टि से समझना है। एक तो होता है कि व्यवहार दृष्टि होती है, वो निश्चय नहीं होता, व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, हाँ दो हाँ दृष्टियां हाँ हैं देखने की। हाँ करेक्ट, सो प्रैक्टिकल लाइफ में हमको इन तीनों को अलग अलग समझना है, तब आप उसको उसके इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे और उसको फॉलो कर पाएंगे प्रॉपरली। हाँ 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 परंतु हाँ निश्चय नहीं से ये तीनों चीजें अलग नहीं है। जो जितना ज्ञान का हाँ चेतना हाँ का जितना जितना विकास होता चला जाता है, चारित्र या करेक्ट, कंडक्ट उसका वैसा उतना ही उच्च होता चला जाता है। तो हाँ। इसीलिए नॉलेजेबल पर्सन को का इम्पोर्टेंस किस लिए है कि उनके चरित्र में उनके व्यवहार में अलग ही तरह का चेंज आपको को देखने को मिलता है, अलग प्रकार का एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में देखने को मिलता है। हाँ। तो वो बात सही है, निश्चय नहीं से ये तीनों चीजें कोई अलग नहीं है, ना ज्ञान ना दर्शन ना चारित्र, ये अलग अलग चीजें नहीं है, चेतना का ही पार्ट है। सो हाँ ज्ञान हाँ चेतना विकसित तो होता है उतना चरित्र हमारा विकसित होता चला जाता है। करेक्ट, तो यही है ना कि एक ग्रामीण व्यक्ति है और एक शहर का व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो जीने के ढंग कितने अलग हो जाते हैं, सोच के तरीके कितने अलग हो जाते हैं। तो ये सब चीजें बात सही है, इंटरकनेक्टेड है, पर ये ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ज्यादा इस चीज को समझना है, ना हाँ कि हाँ हाँ प्रैक्टिकल वे में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो व्यवहारिक वो क्या है कि देखिए भगवान पार्श्वनाथ के समय में कहा गया कि भाई चार याम का उनका चतुर्याम धर्म था, भगवान महावीर ने पंचयाम धर्म दिया। चतुर्याम में ये माना गया था कि ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का ही पार्ट है, क्योंकि स्त्री भी एक परिग्रह के अंतर्गत आती है, परिग्रह दोनों तरह के होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग, तो स्त्री बिल्कुल जो है वो परिग्रह के अंतर्गत ही इंक्लूड कर ली गई थी। बिल्कुल, तो
बट उस समय क्या होता था कि साधु बहुत सरल प्रकृति के भी थे, इतना वो कॉम्प्लिकेशन आज के जैसे नहीं थे। सो सही बात है। वो ये नहीं समझ पाते थे कि स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तो कभी कभी क्योंकि वो इतनी ज्यादा सरलता थी कि उसका वो अलग अलग उस चीज को नहीं समझ पाए थे, तो इसलिए भगवान महावीर ने देखा कि नहीं, अब इस ये युग जो है, इस युग में तो लोगों का तर्क और गलत चीजों को फॉलो करने के लिए जरूर उनको कुछ ना कुछ अपना हो चाहिए, एक्सक्यूज चाहिए, पॉइंट चाहिए। सो उन्होंने पंचम ब्रह्मचर्य व्रत को अलग ही कर दिया कि तुम्हें बिल्कुल इसको भी उतनी जागरूकता से पालन करना है। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि अपन जब गुण स्थान की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि साधारण श्रावक जैसे है वो तो वो मान लो चौथे गुण स्थान में है, तो जैसे साधु बनते हैं आचार्य होते हैं तो वो कहते हैं कि छठे या सातवें गुण स्थान में होते हैं, मतलब और उच्च स्तर के होते हैं तो और ज्यादा स्तर के हो गए। जनरली अपन जैन साधु साधियों के बारे में ही बात करते हैं। मेरे दिमाग में आता है कि जैसे कृष्ण भगवान है या दूसरे धर्मों के अंदर भी क्या, जैसे मुस्लिम इस्लाम धर्म को पालन करने वाले हैं तो उसमें भी क्या, जैसे जो हाई लेवल के मुल्ला मौलवी होते हैं फॉर एग्जाम्पल, या ये मान लो फादर होते हैं ईसाई धर्म के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनमें भी मतलब वो है जो छठे सातवें गुण स्थान में हो सकते हैं, मतलब ऐसा संभव है, मतलब अब यो अपने को देखिए पता निश्चय नहीं है, अपने मेरे, को पता नहीं है। हाँ हाँ निश्चय, देखिए निश्चय में कोई भी कुछ हो सकता है। हम जैन साधु को कह रहे हैं वो पहले गुण स्थान में भी हो सकते हैं, और दूसरा कोई सातवें और दसवें गुण स्थान पे भी हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। आप मरुदेवा माता को देखिए, वो तो गृहस्थ ही थे और केवल ज्ञानी बन गए और सिद्ध भी हो गए। कोई साधु पना थोड़ा लिया था उन्होंने, बिल्कुल वो साधु नहीं थे, है बिल्कुल ना। सो गृहलिंग सिद्ध नहीं, मतलब दूसरे धर्मों के भी, अंदर, दूसरे धर्मों हाँ के मैं अंदर भी। वही मैं कह रही हूँ कि नंदी सूत्र में सिद्धों के 15 प्रकार बताए, सिद्ध होने वाले जीव, मुक्त होने वाले जीव, 15 प्रकार के। उसमें अन्य लिंग सिद्ध भी है, यानी दूसरे धर्म अच्छा, संप्रदायों के साधु भी मुक्त होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे ही संप्रदाय से मुक्त हो, हाँ, बस 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 राग बिल्कुल। द्वेष मुक्त होना चाहिए, कषाय मुक्त होना चाहिए, कर्म मुक्त होना हाँ चाहिए। आप जो भी साधना कर रहे हैं, अगर आप उससे वो फल प्राप्त हो रहा है या ना उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो कोई बात नहीं, वो भी सही मार्ग हो जाता है। बट क्या होता बिल्कुल है कि कोई भी चीज का एक फिक्स क्राइटेरिया हमें बनाना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में के लिए, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ एक कॉन्क्रीट हमारे पास में क्राइटेरिया भी होना चाहिए। तो हम जो मानते हैं क्राइटेरिया के भाई, अहिंसा का जिस रूप में पालन होना चाहिए, वो उसका ज्ञान ही अन्य परंपराओं को नहीं है। समझ में आया हाँ, ना। ठीक बात है, तो ठीक बात है। हमारे जो क्राइटेरिया है वो प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें हम कुछ क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, उसके आधार पर ही मेजर कर सकते हैं कि ये है कि ये वो है। अब बिल्कुल जरूरी नहीं कि बिल्कुल इंटरनली हम जो एक्सटर्नली हम जो देख रहे हैं वो हमारा जो क्राइटेरिया है उस पर पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है, पर हम वेशभूषा के आधार पर, जो आचरण है उसके आधार पर कुछ बात कहते हैं, और इंटरनली उसका डेवलपमेंट उस लेवल पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है। एक्चुअली अभी 3-4 महीने पहले मेरे एक मतलब एक अपने मुस्लिम विद्वान से परिचय हुआ था। उनका वो भूज के पास में एक जगह है रापर, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है, मतलब तो उनका नाम रमजान हुसैनिया है, मतलब तो उनको एक प्रोग्राम में उनका व्याख्यान सुना मैंने। वो इतने जैन धर्म के प्रखंड विद्वान है कि मैं मतलब मेरे को आश्चर्य हुआ, और जिस ढंग से वो बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे, सब लोगों ने कहा भाई ये तो जैन साधु बोल रहे हैं, ये मुस्लिम कैसे हो सकते हैं, मतलब और 35-40 की एज होगी उनकी, मतलब जबरदस्त, देखिए मतलब वो जबरदस्त। बीच के जो मुस्लिम पीरियड आया भारत में, और उसके कारण से कई जैन भी मुस्लिम्स बन गए हैं, आपको ये तो पता ही अच्छा है नहीं, ये ना। पता है मेरे को, ये पता है। सो मुस्लिम अच्छा, पीरियड में आचार्य ऋषि महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा करते हुए दिल्ली पधारे थे, तो एक मुस्लिम मौलवी जो है वो आए थे और उन्होंने कहा मैं स्थानकवासी जैन हूँ एक्चुअल में। ओ माय गॉड, अच्छा, आपको हाँ, खुशी होगी ज्यादा ओ, अच्छा अच्छा ना, अच्छा बिल्कुल अच्छा मौलवी है, दाढ़ी लगा रखी है, ड्रेस भी जो मुस्लिम की वो पहन रखी है, टोपी भी उस तरह की मुस्लिम की, और वो मौलवी के रूप में है, पर वो थे हाँ, स्थानकवासी जैन थे आपके। अभी यही बस वही मैं ऐसे पूछ रहा था मैं आपको। एक एक बंदे समझिए, हाँ मैं एक
समनी जी, हाँ बोलिए। आपने एक वो मेंढक का जो उदाहरण देख के बताया कि उन्होंने संथारा कर पचकान किया, तो हम तो अभी तक ये सुनते आए हैं कि केवल मनुष्य ही त्याग पचकान कर सकते हैं, देवता या तिर्यंच या वो त्याग पचकान नहीं कर सकते हैं। अब तो वो थोड़ा सा एक नहीं, आपने आपने वैसे मतलब वो आपको ऐसा नॉलेज में रह गया है, देवता और नरक के प्राणी नहीं कर सकते, तिर्यंच कर सकते हैं, मनुष्य कर सकते हैं, श्रावक की कैटेगरी में ये दो तरह के जीव आ सकते हैं अच्छा, ये तिरंज भी ना। श्रावक हो सकते हैं। हाँ, ये हाँ, तो है, तिर्यंच तिरंज भी श्रावक श्रावक हो होते हैं, सकते तिरंज हैं। श्रावक होते हैं, तो वो श्रावक होते हैं तो पचकान भी कर सकते हैं, इसका कर मतलब सकते ये। हैं क्योंकि उनको पूर्व जन्म का, वो पूर्व जन्म में अपने आप को श्रावक के रूप में ही देख रहे हैं ना, कि जब जी उन्होंने इस तरह से व्रत लिए थे, आचरण किया था, तो उनको ज्ञान भी है उस चीज का पूरी तरह से। तो अब उन्होंने दूसरा, मेंढक के रूप में अचित्त जल पीते थे, अचित्त जल पीते थे मेंढक के रूप में, है ना। चंडकौशिक सर्प ने भगवान महावीर के प्रेरणा से जो है वो हिंसा का और दूसरों पर वो परित्याग अधिक कर दिया। करने का त्याग करके संथारा चंडकौशिक सर्प ने भी लिया, है ना। दूसरा, आप जो चारित्र की बात कही थी कि जैसे साधु साधियों के सामयिक चारित्र रहता है, और जैसे अब समण समणी श्रेणी को गणाधिपति गुरुदेव ने किस उसमें रखा, आपका जो है सामयिक चारित्र है या हमारे व्रत नियम जो है वो साधुओं की कैटेगरी के हैं, परंतु उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है कि ट्रेवलिंग कर सकते हो और फूड आपके लिए बनाए तो आप वो ले सकते हो, इतना दो एक्सेप्शन रख दिया, बाकी आपका हक है। नहीं, क्योंकि तो उसमें समनी जी आपका और समन जी जो भी आते हैं वो तो मूल में तो साधु बनने के लिए ही आते हैं, परंतु नहीं, तो आचार्य ऋषि को जब लोगों का समाज का प्रेशर था कि आप बाहर में विदेश में साधु जाएं ये जरूरी है, श्रावकों से वो काम नहीं हो करवा सकते हैं, हो नहीं सकता, उनके अपने बिजनेस है, उनके अपनी फैमिलीज हैं, तो उन्होंने ये नया संन्यास क्रिएट किया कि ठीक है ट्रेवलिंग की और फूड का हम एक्सेप्शन देते हैं, बाकी सारे पालन जो है उसी तरह से नहीं, साधु के वो जो ठीक है, नियम पर है। ये पूर्ण सामायिक चरित्र में गिना जाता है या पूर्ण कैसे, मतलब मैं जैसे वो ये बीच की कैटेगरी है, इसको पूर्ण चारित्र नहीं कहते, ठीक है ना। बहुत चलिए बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये मिस्टर कीर्ति पड़िया है, इन्होंने हाथ उठा रखा है। हाँ हाँ बोलिए कीर्ति सुमन। भाई, हाँ हाँ बोलिए, प्रश्न जी, पूछिए, अनमोट करिए। समझी जी, हाँ ये जी आपने जो श्रावक का उदाहरण दिए, जैन साहब ने अभी जो बताया वही लाइन पे है मेरा क्वेश्चन। बट क्वेश्चन करने से पहले मैं, मेरा जो एज्यूम्शन है जो वो मैं बताता हूँ कि सारे जीवों में मनुष्य अवतार जो है उसको ही हाँ, सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वही अवतार में। ये सही बिल्कुल है कि नहीं है? ये बिल्कुल दूसरा, सही है। हाँ दूसरा, तो जैसे वो जो सेठ थे, जो अच्छे श्रावक थे, लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया, फिर उसको घमंड आ गया, फिर मेंढक बने, तो वो टाइम पे उन्होंने काफी कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा क्योंकि अच्छे बिल्कुल श्रावक थे। तो उसके बाद में अगर वो मेंढक हो गए तो फिर वो जो ज्ञान प्राप्त किया वो कहाँ जाएगा बाद में? तो मतलब वो चला गया, या वैसा बोला जाता है कि ज्ञान जो है वही चीज है जो साथ में आती है, बिल्कुल। तो तो देखिए वो साथ में, तभी तो वो श्रावक बने मेंढक के रूप में भी होते हुए वो ज्ञान कैरी ऑन कर रहे हैं ना, तो अभी हाँ, तो इस जीवन में तो कोई उनको समझ नहीं रहा कि वो मेंढक यहाँ पर है, कि उनको हम जाकर के कोई शिक्षा नहीं दे रहे उसको कि तुम ये व्रत स्वीकार करो, हमें तो मालूम नहीं कि वो मेंढक का जीव इस तरह से उसको पूर्व जन्म का ज्ञान है या ये कोई श्रावक रहा हुआ, हम तो नहीं जानते उसको, तो कोई साधु साधु ने तो उसको प्रेरणा इस जीवन में नहीं दी ना, उनका पास्ट लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वही तो काम आ रहा है उनको। से बाद में वो अगर फिर से वो मनुष्य, अब श्रावण तो शायद वो, हाँ, हाँ तो वो बस तब वो उससे आगे किस स्टेज में जा सकते हैं, क्योंकि उनको वो, ऑलरेडी उस चीज में श्रद्धा है, आस्था है, और हाँ उसका वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो उस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अभी मैं कुछ हफ्ते पहले ही ऐसे यही देखा, हमारे सोसाइटी में हमारे एक कलीग थे, वो गुजर गए, तो जब उसका डेड बॉडी ले जा रहे थे तो काफी बंदर थे बाहर, लेकिन एक ही बंदर जो है पास में आके बैठा और जैसे एकदम दुखी है उस तरह से उसके सबके पास बैठा और फिर चला गया। ऐसे कई जानवर हमने देखे, जैसे कुछ कुत्ते भी है, एग्जाम्पल अच्छे नहीं है, बट वो पोटी करने के बाद डस्ट डाल देते हैं, कुछ ऐसे जो है
वो जो खाना जो है खुद खाता है, फिर जरूरत नहीं है तो कहीं रख दे हैं, और जैसे उसके दूसरे कलीग आते हैं तो उसके लिए निकाल सके वो देते हैं, वही मैंने कल तो ये परसों ही मतलब एक वीडियो देख हाँ रही थी कि वो एक हाँ कुत्ता जो है वो एक मालिक से कहता है कि वो खाना खा रहा था और वो पास में बैठा था, उसने उनसे कहा कि तुम इसमें कुछ डालो मेरी प्लेट के अंदर, ऐसा ही हाँ बार बार अपने पंजे से उसको कहा कि हाँ मेरी प्लेट के अंदर डालो, उसने एक पीस डाला तो उसको लगा कि ये सफिशियंट नहीं है तो बोले सेकेंड टाइम डालो वापस, देन थर्ड टाइम या फिर डलवाया पूरा उसका प्याला खाली करवाया कि नहीं सारा ही तू डाल इधर में और फिर जा करके एक कुतिया जो बीमार होगी संभवतः उसको फिर कहा कि तुम चलो खाना खा लो थोड़ा सा, सो यूं करके उसको उठा, उसको इशारा किया उठा करके, और वो फिर आ करके उसने खाया, उसने नहीं खाया उसके लिए डलवाया सारा कुछ उसने। क्या कह तो इसका लिया, मतलब है कि वो जो वो जिस स्टेट में जन्मा है उस वक्त जो जो लिमिट ज्ञान तो है लेकिन वो प्रकट नहीं होता है, वो वो बाद में जब मतलब फिक्स। आपको हाँ आपको नहीं पता चल रहा है, वो उसके पास तो है हाँ ज्ञान, उसका एक्सपीरियंस है उसके साथ में, पर अब वो ओके मनुष्य पशु की योनि में है, अपनी बात को उस तरह से न तो एक्सप्रेस कर सकता है न कोई उसको समझ करके उसका सपोर्ट कर सकता है, तो उसको तो उसी तरह से जीना है जिस तरह से वो है अभी इस कंडीशन में, बट अंदर से वो अपनी अवेयरनेस खुद की जितना यूज में लेता है उतना उतना वो उसको फॉलो करता रह जाता है, अपने अपनी लिमिट में वो फॉलो कर सकता है, हाँ, ओके दूसरे लोग ओके उसको नहीं समझ सकते। चलिए धन्यवाद। अपने एक और तो घटना हाँ है बाबू जी, हाँ ये अपने एक और घटना है, ये अहमदाबाद की है, 20 एक साल पुरानी है मेरे ख्याल से, नाम याद नहीं आ रहा, शायद वो आचार्य रामचंद्र जी महाराज साहब थे मेरे ख्याल से, बिरलाल साहब बता सकते हैं नाम सही है गलत है, तो बहुत बड़े आचार्य थे, मतलब उनकी याद में एक मंदिर भी बना अभी मतलब यहाँ पर, तो यस वो उनकी उनका जब देवलोक हुआ था और उनकी बॉडी को जब वो ले जा रहे थे और वहां पे रख दिया, मतलब वो उसमें मतलब वो अपने अग्नि कुंड में डालने से पहले, मतलब तो उस समय एक सर्प आया था मतलब, और सर्प आकर के और उसने है जो मतलब 3-4 बार जैसे वो अपने सेल्यूट करते था, खड़ा होके फिर नीचे झुका, खड़ा होके फिर नीचे झुका, ऐसा है जो ऐसी घटना हुई थी, लोगों ने देखी इसको, 20 एक साल पुरानी बात है। देखिए चंडकौशिक सर्प कौन था आपको पता है, पिछले भव में वो साधु थे, दो भवों से वो हाँ साधु बने हुए थे, हाँ परंतु हाँ गुस्सा बहुत, साधु बन गए वो तो ठीक है परंतु एक टेंडेंसी होती है गुस्से की टेंडेंसी होती है, तो अब साधु बन भी गए तो गुस्सा तो कम नहीं हुआ उनका, सो उनके जो आश्रम में बच्चे आकर के हल्ला करते या कुछ उनके फल बगीचे के फल तोड़ लिए या कुछ नुकसान कर दिया तो उनको गुस्सा आ गया, और वो एक उन लोगों के बच्चों के पीछे दौड़े और किसी गड्ढे में गिर गए या कोई थंबे से टकरा गए, क्या हुआ तो डेथ हो गई ऑन द स्पॉट उनकी सपोज, तो अच्छा, वो सांप बन गए, गुस्से की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी ना, क्रोध, क्रोधी व्यक्ति जो है वो सर्प बन जाता है जनरली, या बहुत अधिक धन से अटैचमेंट है तो सर्प बन जाता है, तो जो धन धन की जो रक्षा करने वाले सांप है वो क्या है, वो उस धन के हाँ मालिक एक्चुअल में मालिक, हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो वो तो अटैचमेंट है तो उसकी रक्षा कर, मरने के बाद सर्प बन के उस धन से यस अटैच्ड रहते हैं और उसको किसी को लेने बिल्कुल नहीं देते हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है, तो जिस बहुत जन्म ने बहुत धन का माना नहीं है उस जन्म ने कभी हाँ नहीं किया तो उसका यूज किया नहीं, सही बात और अब है वो। अपनी गलती भी बिगाड़ ली उसके पीछे। बिल्कुल। अच्छा और कोई प्रश्न है? चलिए नहीं तो आज बस, इतना ही, आज इतना ही रखते हैं, हाँ तो बहुत वंदन अच्छा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके बाद आप ही मतलब ये मंगलाचरण, ठीक है, कृतज्ञ उसमें ओके मांगलिक, हाँ जसु भाई कुछ कहना चाहे तो इनका तो बहुत हाँ बोलिए हृदय साहब। जी। नहीं, मुखराना जी, आप जो कह रहे थे हाँ साहब, ज्ञान और दर्शन के बारे में, हेलो, हाँ, मेरी आप आवाज आती बोलिए है? हाँ, साहब, हाँ, तो भेद नहीं और अभेद नहीं, ये दो विवक्षा अलग हो जाती है, अभेद नहीं से ज्ञान और दर्शन एक हो जाता है, और भेद अपेक्षा से ज्ञान और दर्शन अलग कहे जाते हैं, ये नहीं की अपेक्षा से बोला जाता है, इस तरह से विवरण होता है कहने के लिए अच्छा जसू ज्ञान और भाई, दर्शन। हाँ जी, अरे आपने कोई अभी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी वो लॉजिक के ऊपर, ये बनारस हिंदू हाँ यूनिवर्सिटी में, जी, उसका जरा 2-4 लाइन में बता दीजिए आप, क्या था उसका जिस्ट बता दीजिए जरा, था मेरी बहुत इच्छा वो है। तो अनफॉर्चुनेटली आई फेल इट वॉज नॉट वेल ऑर्गेनाइज टू सम एक्सटेंट। अच्छा हाँ, कुछ
बहुत ऐसा स्प्रेड आउट हो गया, एक्चुअली हाँ लॉजिक एंड रिलीजन पे था, लेकिन